नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे देश भारत में कुछ ही समय पहले घटित हुई थी। एक घटना जिसके बारे में आजकल की जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम सभी 14th of February को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपने मन के अनुसार या फिर किसी भी रिलीजन को मानने का पूरा अधिकार है। पर जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, तो कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि 14th of February को हमारे देश में ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरा देश रो पड़ा था। तो आज हम पता करेंगे उसी बारे में। और मैं स्पेशली ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, और मैंने जब सर्च किया तो मुझे कुछ खास मिला नहीं। मुझे यूट्यूब पर भी, जहाँ बोला जाता है कि यूट्यूब पर हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ आपको मिल जाती है, वहाँ पर भी मुझे सिर्फ एक ही ऐसी वीडियो मिली जहाँ पे उन्होंने हमें अच्छे से थोड़ा सा बता रखा था, पर वो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसीलिए आजकल की जनरेशन के लिए, जो अभी टीनेजर्स हैं, 17-18 के हैं, कम से कम उन्हें पता होना चाहिए। और ये एक हमारे देश में बहुत ही बड़ा डिबेट का रीज़न भी है। और जब हम किसी चीज़ के लिए डिबेट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। तो आज हम पता करते हैं इसी बारे में कि 14th of February को क्या हुआ था। तो 14 जनवरी दिन गुरुवार समय 3:15 पर सन 2019 में भारत के जवानों पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था, जिसे हम पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं, और इसका नाम जगह के नाम से पड़ा है। उस स्थान का नाम था पुलवामा, इसलिए उसका नाम पड़ा पुलवामा अटैक। इस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे, और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की एक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। 14 फरवरी भारत के लिए काला दिन माना जाता है, क्योंकि हमारे भारत के 40 जवान उस दिन शहीद हुए थे, इसलिए हम इसे काला दिन मानते हैं। और आज 14 फरवरी को इसकी तीसरी बरसी है, यानी इस आतंकी हमले को हुए 3 बरस आज पूरे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 68 बसों में CRPF का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही ही थी, और CRPF का काफिला बस पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने CRPF के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही SUV भारत के जवानों के वाहनों से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में CRPF के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए, और ये हमला इतना घातक था कि कुछ देर तक सब धुआं धुआं हो गया था। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयानक था कि पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू के राष्ट्रीय मार्ग पर भारत के जवानों के शव इधर उधर पड़े थे, चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शव के टुकड़े नजर आ रहे थे। सेना ने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू किया और जवानों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में समझो हाहाकार सी मच गई। हमले के बाद CRPF के अधिकारी द्वारा इस हमले में हुई गई कुछ जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि हमले के दौरान करीबन 70 बसें थी, जिनमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ले ली। जैश ने ये टेक्स्ट मैसेज पाकिस्तान की न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी GNC को भेजा था। इस हमले को जैश के द्वारा लिया गया बदला माना जाता है। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा में ही रांतीपुरा इलाके में हुए एनकाउंटर से सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया था, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि जैश की ये पूरी साजिश थी
और इस साजिश के द्वारा ही जैश ने ये आतंकी हमला करवाया था और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ही ले ली थी और ये एक काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। और इसीलिए हम भारत में 14 फरवरी को काला दिन मानते हैं, क्योंकि 40 हमारे जवान शहीद हुए थे और 40 कोई छोटी गिनती नहीं है। जिन लोगों के परिवार से थे वो, उनसे अगर पूछा जाए तो समझो कि उनकी ज़िंदगी ले ली उनसे। तो इसीलिए काला दिन हम मानते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वैलेंटाइन डे मत मनाएं या फिर आप काला दिन ना माने। देखिए, सबकी अपनी श्रद्धा होती है, सबकी अपनी सोच होती है, ठीक है, जितने लोग होते हैं उतनी सोच होती है। तो आप दोनों तरफ किसी भी तरफ रह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर एक भारतीय होने के नाते आपके पास इतनी नॉलेज होनी ज़रूरी थी कि रियल में 14 फरवरी को हुआ गया था सन 2019 में। तो थैंक यू। और अगर मैं वीडियो पसंद आई हो, मतलब थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो कि आपको इस वीडियो ने इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक करना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना टीनेजर्स के पास। मतलब मैं चाहती हूँ कि, मुझे अभी पता चला जब मैं 18 की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी 15-16 के हैं उन्हें अभी से ही ये बातें पता चल जाएं कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, तो उन्हें आप लोग ज़रूर शेयर करें। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर करें। सो थैंक यू और सब्सक्राइब करना चैनल को।